फ्रेंड काल है फ्राइडे, तो काल का मार्केट के लिए सेटी साहब ने दो बेहतरीन पिक दिया काल का मार्केट में ट्रेड करने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा दोस्तों जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, वो भी दोस्तों सेटी साहब का पिक है। कुल मिला के मैं आपके लिए तीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जो तीनों स्टॉक के अंदर एक स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट पर रख सकते हैं दोस्तों। अभी बाय कर लीजिए दुर्गा पूजा से पहले सेल करें, 10 से 15 दिन तक होल्ड करिए, आपको जबरदस्त मुनाफा मिल जाएगा। आज दो स्टॉक काल का मार्केट के लिए, काल का मार्केट का रॉकेट दो स्टॉक है, सेटी साहब का और एक इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक। चलिए सब कुछ एक साथ नजर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेटी साहब का स्टॉक आंध्रा पेपर। कुछ दिन पहले वेस्ट कोस्ट पेपर सेटी साहब ने दिया था, स्टॉक ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारा था, हाई पे हाई मार्केट रिकॉर्ड बना दिया था। तो और उसके बाद आज पकड़ लिया सेटी साहब ने आंध्रा पेपर, फिर ये रिकॉर्ड पे हाई मार्केट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले गया आंध्रा पेपर तो गया, उसका टारगेट देखने से पहले कंट्रोल प्रिंट के अंदर बाय करके चलिए। 9 से 12 महीने के अंदर स्टॉक 450 तक जा सकते हैं, 9 से 12 महीने के अंदर स्टॉक 450 तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों और एक अपडेट निकल कर आ चुका, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के अंदर ये स्टॉक इतना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन सेटी साहब थोड़ा सा लंबी करके बोल दिया। चलिए अब देख लो आंध्रा पेपर के अंदर काल से कुछ 2 दिन के अंदर स्टॉक 250 पार कर सकते हैं और आपके लिए कंट्रोल प्रिंट दोस्तों 9 से 12 महीने का व्यू दिया। लेकिन दोस्तों और एक स्टॉक है काल का मार्केट में राज करने वाला स्टॉक होगा, वो है दोस्तों वेल्सपन इंडिया सिमी भूमिक का स्टॉक है, जहां पे काल का मार्केट में स्टॉक के अंदर होने वाला पैसे का बारिश दोस्तों 175 तक जा सकता है, उम्मीद कर सकते दोस्तों 158 का स्टॉक है, 175 तक जा सकते हैं। काल का मार्केट में राज करने वाला नंबर वन स्टॉक है ये है वेल्सपन इंडिया, और इसके बाद आंध्रा पेपर और इन्वेस्टमेंट पर्पस है कंट्रोल प्रिंट। दोस्तों तीनों स्टॉक के अंदर आप काल के मार्केट में बाय करके चल सकते हैं दोस्तों। चलिए